अस्सलाम वालेकुम। सब्जेक्ट ईटी 353 में चैप्टर नंबर 9 घरेलू बरकी आलात। तो मैं आज हम पढ़ेंगे पेडिस्टल फ़ैन। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था सीलिंग फ़ैन, सीलिंग फ़ैन के साइज़ हमने पढ़े थे, सीलिंग फ़ैन के हिस्से पढ़े थे, और आज हमने पढ़ना है पेडिस्टल फ़ैन। पेडिस्टल फ़ैन से मुराद पायादार पंखा। सीलिंग फ़ैन के बाद दूसरा जो पंखा है जिसको हम पेडिस्टल फ़ैन कहते हैं, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ये पंखा कहलाता है। पेडिस्टल फ़ैन को हम पोर्टेबल आलात भी कहते हैं। पोर्टेबल आलात से मुराद ऐसे आलात जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किए जा सकते हों, उसको हम पोर्टेबल आलात कहते हैं। जबकि सीलिंग फ़ैन एक जगह फिक्स होता है, वो पोर्टेबल आलात के ज़ुमरे में नहीं आता। पेडिस्टल फ़ैन पोर्टेबल आलात के ज़ुमरे में आता है, एक जगह से दूसरी जगह बआसानी मुंतकिल किया जा सकता है और हवा देने का ये एक ज़रिया है। इसमें भी जो मोटर इस्तेमाल की जाती है, मुस्तकिल स्पीड कैपेसिटर यानी कि इसमें लगाया जाता है, और ये भी हमारी इंडक्शन टाइप मोटर होती है। इसके अंदर जो कैपेसिटर इस्तेमाल किया जाता है उसकी वैल्यू सीलिंग फ़ैन में जो कैपेसिटर इस्तेमाल किया जाता है उससे ज़्यादा होती है। सीलिंग फ़ैन में 2.5 माइक्रोफेरेट या 3 माइक्रोफेरेट या 3.5 माइक्रोफेरेट का कैपेसिटर इस्तेमाल किया जाता है, जबकि पेडिस्टल फ़ैन के अंदर 4.5 माइक्रोफेरेट या 4 माइक्रोफेरेट का कैपेसिटर इस्तेमाल किया जाता है। पेडिस्टल फ़ैन की पहले हम थ्योरी की तरफ थोड़ा सा जायज़ा लेंगे। छत के पंखे के बाद हवा हासिल करने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला पंखा है। इस पंखे को घर में किसी भी जगह रख कर हवा हासिल की जा सकती है। ये सिंगल फेज मोटर पर मुश्तमिल होता है, जिसे एक लचकदार तार की मदद से बिजली की साकेट से जोड़ा जाता है। इसके आम तौर पर 3 या 4 ब्लेड होते हैं, जबकि सीलिंग फ़ैन के जो ब्लेड्स होते हैं वो 3 होते हैं। ये 3 ब्लेड्स पर भी मुश्तमिल होता है और 4 ब्लेड्स पर भी मुश्तमिल होता है। इसके परो के गिर्द लोहे की तारों से बनी हुई हिफाजती जाली नस्ब होती की जाती है, ताकि पंखे के चलने के दौरान यानी कि मुतहरिक होने के दौरान किसी के ज़ख्मी होने का अंदेशा ना हो। पेडिस्टल फ़ैन आम तौर पर मुख्तलिफ साइज़ों में होते हैं। सबसे पहले 16 इंच, उसके बाद 18 इंच, उसके बाद 20 इंच, 22 इंच, 24 इंच और 28 इंच तक ये पंखा दस्तयाब होता है। और इसके अलावा अगर एनुअल में सवाल आ जाता है कि पेडिस्टल फ़ैन का साइज़ मिलीमीटर में बयान करें, तो 16 इंच जो है 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर, और सीन मीम भी हम इसको कहते हैं यानी कि सेंटीमीटर सीन मीम। और इसी तरह 18 इंच का जो साइज़ है वो 45 सेंटीमीटर और
इस तरह 20 इंच का 50 सेमी और जो 22 इंच का हमारे पास पेडिस्टल फैन है वो हमारे पास 55, 60 और ये 70 सेंटीमीटर कहलाता है। इस पंखे की सबसे बड़ी खसूसियात मुख्तलिफ सिमतों में फिरना यानी कि चारों साइडों पर हवा देना। किसी भी सिमत में हम इससे हवा हासिल कर सकते हैं पेडिस्टल फैन से। तो इसकी जो सबसे बड़ी खसूसियात, अक्सर सवाल आ जाता है पेडिस्टल फैन की खसूसियात बयान करें। पेडिस्टल फैन की जो सबसे बड़ी खसूसियात है किसी भी सिमत में हवा हासिल करना, इसकी या इससे किसी भी सिमत में हवा ले सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, इसकी सबसे बड़ी खसूसियात है। यहाँ पर भी आपकी जो थ्योरी है, इस पंखे की सबसे बड़ी खसूसियात मुख्तलिफ सिमतों में फिरना और पंखे की मोटर को मुनासिब बुलंदी पर सेट करना, यानी कि जिस सिमत में भी घुमाना हो उसमें भी घुमा सकते हैं और जिस लेवल पर हमने हवा हासिल करनी है उस लेवल पर भी इसको हम सेट कर सकते हैं। इस पंखे की बुलंदी सेट करने के लिए आमतौर पर दो पाइप इस्तेमाल किए जाते हैं। इस पाइप के साथ लगी हुई नाब को ढीला करने से मोटर स्प्रिंग के ज़ोर से ऊपर उठ जाता है। मुनासिब बुलंदी हासिल करने पर इस नाब को कस दिया जाता है। पंखे की रफ्तार को कम व पेश करने के लिए पंखे की अकब में यानी कि बैक साइड पर एक रेगुलेटर लगा होता है। पंखे के तवाजन को कायम करने के लिए इसके पैंदे को खासा भारी किया जाता है, यानी कि इसका जो बेस होती है वो भारी रखी जाती है इसको लेवल यानी कि करने के लिए। आमतौर पर बुलंदी एक भारी प्लेट पर मुश्तमिल होती है, पैंदा एक भारी प्लेट पर मुश्तमिल होता है। ये पंखे आमतौर पर 85 सेंटीमीटर से 100 सेमी यानी कि सेंटीमीटर तक होते हैं, 2.75 फुट से और 3.25 फुट तक ऊंचाई पर सेट किया जा सकता है। पंखे की ऊंचाई क्या है, 2.75 सेंटीफुट और 3.25 सेंटीमीटर या फुट पर इसकी ऊंचाई है, ये 2 इसकी ऊंचाई के स्टेप हैं। पेडिस्टल फैन के अंदर जो घुमाने वाला जो ज़रिया है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर गैर मकनिज़म लगे होते हैं यानी कि गरारी सिस्टम लगा होता है। गरारी के लीवर के साथ दूसरा एक्सल लगा होता है और एक्सल मोटर के साथ रूटर के साथ अटैच होता है जो कि इसको घुमाने का एक ज़रिया होता है। ये तो हमारा था पेडिस्टल फैन। पेडिस्टल फैन में अक्सर सवाल आ जाता है पेडिस्टल फैन का रूटर किस किस्म का होता है, कौन सी किस्म का होता है। पेडिस्टल फैन का जो रूटर होता है स्क्रूल केज किस्म का होता है। पेडिस्टल फैन के अंदर जो कैपेसिटर लगा होता है किस इकसाम का होता है। पेडिस्टल फैन के अंदर कैपेसिटर लगा होता है स्टार्टिंग रनिंग कैपेसिटर मुस्तकिल स्पीड यानी कि रनिंग कैपेसिटर लगा होता है। उसके बाद हमने पढ़ना है आज टेबल फैन, मेज़ का पंखा।
टेबल फैन, मेज का पंखा, ये पंखा पेडिस्टल फैन से मिलता जुलता है, मगर फ़र्क सिर्फ ये है कि इसकी ऊंचाई बहुत कम होती है। इसके अलावा दूसरा फ़र्क ये इसमें होता है कि इसका रेगुलेटर अकब के बजाय आम तौर पर पैंदे के यानी कि फ्रंट साइड पर होता है, और इसको मेज़ पर रख कर किसी और ऊंची चीज़ पर रख कर इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसकी वजह से इसकी बुलंदी तकरीबन 1 मीटर हो जाती है। ये पंखा भी दायरे में हरकत कर सकता है, यानी कि जिस तरह पेडिस्टल फ़ैन होता है, सिर्फ इसमें फ़र्क ये होता है कि इसका रेगुलेटर फ्रंट साइड पर होता है और पेडिस्टल फ़ैन का बैक साइड पर होता है। ये भी उसी तरह चारों सिमतों में जिस सिमत में आपको हवा चाहिए उसी सिमत में ये हवा फराहम करता है। इसके इर्द गिर्द हिफाजती जाली लगी होती है ताकि चलने के दौरान, मुतहरक होने के दौरान किसी जानदार को यानी कि ज़ख्मी ना कर सके। और इसके अंदर जो पेडिस्टल लगा होता है वो कैपेसिटर लगा होता है, कैपेसिटर भी इसके अंदर मुस्तकिल स्पीड कैपेसिटर लगा होता है, मुस्तकिल स्पीड टाइप कैपेसिटर लगा होता है, जिस तरह पेडिस्टल फैन में लगा होता है। इनका जो साइज़ है 16 इंच और 20 इंच, दो साइज़ों में ही है, 16 इंच और 20 इंच ये साइज़ में दस्तयाब होते हैं। 16 इंच 40 सेंटीमीटर 40 सेमी और 20 इंच हमारे 45 सेंटीमीटर या 50 सेमी, ये दो साइज़ में दस्तयाब होता है पेडिस्टल फैन, ये टेबल फैन। उसके बाद हमारा जो अगला पंखा है एग्जॉस्ट फैन है। एग्जॉस्ट फैन, ये पंखा कमरे से गर्म हवा को बाहर खारिज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या ठंडी हवा को बाहर से कमरे में दाखिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे आमतौर पर दीवार में बड़ा सा सुराख करके छत के करीब लगाया जाता है। इसका मुंह बाहर की जानिब रखा जाता है ताकि ये अंदर की हवा खींच कर बाहर फेंक सके। कमरे में हवा की कमी, खिड़की या दरवाज़ों के रास्ते ताज़ा हवा के आने से पूरी रहती होती है। इस पंखे से सही अफादियत हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि इस पंखे के बाहर सामने एक खिड़की या दरवाज़ा खुला हुआ हो ताकि पूरे कमरे में हवा हरकत कर सके। आम तौर पर पंखे के साइज़ का इंतखाब इस तरह किया जाता है, ये पंखा कमरे के हवा 1 घंटे में कम से कम 6 दफ़ा बदल सकते हैं। बड़े कमरे में बड़े साइज़ का पंखा और छोटे कमरे में छोटे साइज़ का पंखा मुंतखब किया जाता है। इसमें एग्जॉस्ट फैन के जो साइज़ हैं एग्जॉस्ट फैन के साइज़ नंबर 1 12 इंच से ये स्टार्ट होता है, 12 इंच है, 14 इंच, 16 इंच, 18 इंच, 20 इंच, 22 इंच, 24 इंच और 28 इंच, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 साइज़ों में ये
जो फ़ैन है एग्जास्ट फ़ैन दस्तियाब होता है, और दूसरी बड़ी जो इसमें खूबी है खसूसियात है ये मेटल और प्लास्टिक यानी कि पीवीसी बॉडी के भी होते हैं। इसमें भी जो कैपेसिटर इस्तेमाल किया जाता है वो मुस्तकिल स्पीड टाइप इस्तेमाल किया जाता है, इसके अंदर रोटर इस्तेमाल होता है तो सिक्योर केज इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अंदर कुछ स्पीड जबकि पेडिस्टल और टेबल फैन के अंदर हम स्पीड को तब कम या ज़्यादा कर सकते हैं, सीलिंग फैन की स्पीड को भी हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जबकि एग्जास्ट फैन के अंदर मुस्तकिल स्पीड होती है, कम या ज़्यादा करने की गुंजाइश नहीं होती। मगर आजकल जो एग्जास्ट फैन इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो डबल साइड इस्तेमाल किए जा रहे हैं, यानी कि दोनों सिमतों में चलने वाले एग्जास्ट फैन आजकल दस्तियाब हैं। उनकी स्पीड जो हम क्लाक वाइज या एंटी क्लाक यानी कि उनका रुख तब्दील करते हैं उसमें एक ही वाइंडिंग एक ही मोटे तार के यानी कि चक्कर से की जाती है, और इसके अंदर वाइंडिंग एक ही नंबर के होने की वजह से हम दोनों सिमतों में चला सकते हैं। जबकि हम पेडिस्टल फ़ैन या टेबल फ़ैन या सीलिंग फ़ैन को हम दोनों सिमतों में नहीं चला सकते, क्योंकि उसके अंदर जो वाइंडिंग की जाती है वो दो नंबरों की जाती है, दो नंबरों से मुराद बारीक और मोटे नंबर की स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग हर पंखे के अंदर होती है, चाहे वो सीलिंग फ़ैन है पेडिस्टल फ़ैन है टेबल फ़ैन है एग्जास्ट फ़ैन है। तो आजकल जो एग्जास्ट फ़ैन डबल साइड वाले हैं उसके अंदर एक ही नंबर की यानी कि एक ही गेज इस्तेमाल किया जाता है, चक्रों की तादाद भी एक ही होती है, यानी कि अगर उसमें एक कॉइल के अंदर 200 टर्ने डाली हैं तो बाकी तमाम के अंदर भी 200 ही टर्ने इस्तेमाल की जाएंगी। तो इसके अंदर जो खसूसियात पाई जा रही हैं आजकल ये इसी खसूसियात की वजह से, एक खसूसियात तो ये है कि ये पीवीसी और मेटल दोनों बॉडी के दस्तयाब होते हैं, दोनों मटेरियल के होते हैं। दूसरी खसूसियात इसमें है कि इसको हम दोनों साइडों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जास्ट फैन इखराजी पंखे की वाइंडिंग, पंखे के मोटर आम तौर पर इंडक्शन और एक फेज के कैपेसिटर होती है जिसका स्टेटर बाहर और मोटर अंदर की जानिब होता है। इसकी मोटर पेडिस्टल फैन की तरह होती है, बाज़ औकात इस मकसद के लिए शेडेड पोल मोटर भी इस्तेमाल की जाती है, यानी कि शेडेड पोल से मुराद नॉन कैपेसिटर मोटर भी हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे फ्रिज की बैक साइड पर फ़ैन लगा होता है वो कंप्रेसर को हवा फराहम करता है, और ये जो मोटर जो फैन लगा होता है ये शेडेड पोल मोटर कहलाती है, यानी कि नॉन कैपेसिटर मोटर कहलाती है। शेडेड पोल से मुराद नॉन कैपेसिटर मोटर है। यहाँ पर कैपेसिटर जो इनमें लगा होता है चाहे वो सीलिंग फ़ैन में पेडिस्टल फ़ैन में टेबल फ़ैन में या एग्जास्ट फ़ैन में, यहाँ पर कैपेसिटर जो काम कर रहा है सर अंजाम दे रहा है काम, एक फेज़ को दो हिस्सों में तकसीम कर रहा है स्प्लिट कर रहा है। तो ये तो हमारे पास आज चैप्टर नंबर 9 के घरेलू बरकी आलात के अंदर पेडिस्टल फ़ैन टेबल फ़ैन एग्जास्ट फ़ैन हमने पढ़े, एग्जास्ट फ़ैन के एग्जास्ट पढ़े, एग्जास्ट फ़ैन और टेबल फ़ैन और जो हमारे पास पेडिस्टल फ़ैन है उनके कुछ हिस्से भी मैं बयान कर दूं। पिछली मर्तबा सीलिंग फ़ैन के हिस्से हमने पढ़े थे, तो सीलिंग फ़ैन के हिस्सों के अंदर प्रैक्टिकली तौर पे भी हमने देखा था, इसके अंदर मुख्तसर मैं इसको बयान कर दूं हिस्सों के दौरान कि पेडिस्टल फ़ैन के हिस्से बयान करें। पेडिस्टल फ़ैन के अंदर उसकी हिफाजती जाली यानी कि जंगला जो लगा होता है, नंबर दो पर उसकी फ़ैन मोटर है, फ़ैन मोटर के साइड कवर है, साइड कवर के अंदर स्टेटर है रोटर है और बैरिंग हाउसिंग है। इसी तरह पेडिस्टल फ़ैन के अंदर इजाफा हो जाता है जो मूव करवा रहा होता है पेडिस्टल फ़ैन को, गियर मैकेनिज्म जिसको हम गरारी सिस्टम कहते हैं, उसमें एक्सल है नाब है और गरारी। इसके अलावा कैपेसिटर भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। टेबल फ़ैन के अंदर भी सिर्फ गियर मैकेनिज्म नहीं होता,
और उसके अलावा बाकी तमाम वही चीज़ें, कैपेसिटर है, हिफाजती जाली है, मोटर है, साइड कवर है, बैरिंग हाउसिंग है, बैरिंग है और राड वगैरह इसमें लगा होता है। एग्जास्ट फैन की बात हम करते हैं, एग्जास्ट फैन के अंदर मोटर आ जाती है, इंडक्शन मोटर, और उसके साइड कवर हैं, साइड कवर के अंदर बैरिंग हाउसिंग है, रूटर है और वाइंडिंग यानी कि स्टेटर है। तो ये तमाम चीज़ें इसकी आज हमने हिस्से भी हमने पढ़ ली हैं, इसकी अफादियत भी पढ़ ली हैं, इसके नुकाइस वगैरह हम बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये चैप्टर हमारा कंटिन्यू रहेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।